पार्टियों के लोग, सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी आपके बीच में आते होंगे, अपने तरीके से अपनी बात कहते होंगे। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय भानु कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा क्षेत्र बराज से श्री मुरली मनोहर जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, और आप ही लोग के आशीर्वाद और ताकत के बल पे। तो आज जरूरत है आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद के, और आप लोगों से हम इनके बारे में, इनके लिए हम अपील करने के लिए, कोई लंबा चौड़ा तकरीर नहीं करना है। इनके लिए मैं अपील आपसे करता हूँ कि 4 तारीख की जो सुबह से 8 बजे के पहले आप लोग लाइन लगा दीजिए, और अपना एक एक वोट, अभी शर्मा जी ने पूरी बात रख दिया तरीके से लिखे से, आज जो इस देश की स्थिति है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसकी क्या हाल है, झूठे वायदे करके और देश की सम्मानित जनता का आशीर्वाद लेकर के, वोट लेकर के और सत्ता में आ गए और अपने एक भी वायदे पर खरे नहीं उतरे। आज तमाम तिगड़म, अभी पेपर में देखा जाए तो तमाम वायदे फिर कर रहे हैं। एक बार आदमी जब गलत रास्ते से जब मंजिल पर पहुंच जाता है तो ये समझता है कि ये रास्ता बहुत सही है, लेकिन सही रास्ता होता है और गलत रास्ता होता है। और जो भी हुआ ये देख रहे हैं और आज हो रहा है वो भी देख रहे हैं, और उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे और निकम्मे लोग भविष्य में क्या कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, इसके पहले भी सरकार लोगों ने देखा था और आज भी देख रहे हैं। जब जब सरकार बनती है, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, राजनीति, डकैती, छिनैती चरम सीमा पर होती है। रोजगार का अवसर अगर जो कुछ भी मिला है तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-4 जिले हैं, उनके अलावा पूर्वांचल के लोगों का ख्याल ही नहीं आया। ये तमाम लोग कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी जो है जातिवादी पार्टी है, लेकिन जातिवादी पार्टी भी नहीं है, क्षेत्रवादी और परिवारवादी कहा जा सकता है। जातिवादी अगर जो रहती तो यहाँ पूर्वांचल के भी समाजवादी पार्टी के हमारे फाउंडर लोग उनको यहाँ से इस जिले से 5 सीट दिए जीता करके, लेकिन थोड़ी सी उनके अंदर अगर जो जातिवादी भी व्यवस्था रहती या मानसिकता रहती तो यहाँ के पूर्वांचल के लोग भी हमारे बेरोजगार हैं, लेकिन उनके बारे में उनकी चिंता नहीं हुई। एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, यही 2-4 जिलों में रोजगार सिमट कर रह जाते हैं और विकास कार्यों का भी वही हाल है। ठीक इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। पूर्व में जो सरकार बनी, रोजगार के अवसर भी मिले। 2007 में जब सर्व समाज के सम्मानित जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिला और बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की पांचवी चौथी बार जब मुख्यमंत्री हुई तो निश्चित तौर से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर सरकार चला, और हर समाज को, हर तबके को रोजगार से लेकर विकास कार्य भी हुए। इस क्षेत्र के बारे में भी आप लोगों से छिपा नहीं है कि आप लोग का कीमती वोट दे करके किसी को न किसी को भेजे हैं इस प्रदेश और देश की पंचायतों में, किन लोगों ने क्या किया है। और स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जायसवाल 2007 में बराज विधानसभा से विधायक हुए थे, और सर्व समाज के सम्मानित जनता का सहयोग और आशीर्वाद जब मिला, गोरखपुर मंडल में सबसे अधिक वोट से जीते थे। तो आपका ये क्षेत्र तो उस समय नहीं था, लेकिन जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने का कार्य किया, नाली, नर्मदा, पुलिया, खड़ंजा, इंडिया मार्ग का तमाम योजनाएं अपने विधायक निधि के अलावे ला करके और क्षेत्र को का सर्वांगीण विकास करने का कार्य किया गया। 2012 में वोट अधिक पाने के बावजूद भी कतिपय कारणों से हार हो गई, आपने जिक्र भी किया, वो जितनी सारी बातें हैं आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज का जो माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से चुने थे और ये सोलर लाइट लेकर देखने पर भी कहीं दूर दूर तक मिलने वाले नहीं है, ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस क्षेत्र के बाहर के हैं और ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको जितने लोग यहाँ पर हैं, हो सकता है चुनाव में आए होंगे तो कोई उनको देखा होगा, तो हो सकता है कि एक आध बार दीदार हो गया होगा, ना वो चुनाव के पहले मिले थे और चुनाव के मिलने बाद भी मिलने वाले ये लोग हैं।
और जिनको माननीय भगत कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी ने अपना आशीर्वाद दे करके और आप लोग के बीच में भेजा है, ये कई बार आपके दरवाजे पर, पूरे क्षेत्र में हर दरवाजे पर जा करके माथा टेके हैं। एक एक जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, माताएं बहने हैं, बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। तो इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में भी आपसे छुपा नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी के ये लोग हमेशा से रहे हैं, वो विचारों से ओत पोत है, और जो सोच है, विचारधारा है, नारा है, उसको पूरे रग रग में इन लोगों का है, और राजनीतिक संबंध इस क्षेत्र के लोगों से इन लोगों का नहीं है, और न वो स्थापित करना चाहते हैं। एक परिवार के जैसे इस क्षेत्र के लोगों से इन लोगों का पूरा संबंध है। जो पिता तुल्य बुजुर्ग है, इनके पिता दादा और पिता के समान है, उम्र में जो बड़े हैं बड़े भाई के समान है, छोटे हैं छोटे भाई के समान है, और उस संबंध को हमारे श्री मुरली मनोहर जायसवाल जी और संबंध को मजबूत करने आए हैं, और हम आपसे अपील करते हैं कि उस संबंध को मजबूत करने के लिए जो अधूरे कार्य है श्री राम प्रसाद, स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जायसवाल जी का, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हैं, आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। 4 तारीख के सुबह 8 बजे के पहले लाइन में लग करके अपना आशीर्वाद कैसे देंगे, चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाला जब बटन दबाएंगे और इनको वोट मिल जाएगा, कोई आपका आशीर्वाद हो जाएगा और संबंध और मजबूत हो